नमस्कार, ए टू जेड डिशेज उषा कुरजानी में आप सबका स्वागत है। अभी गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है तो मैंने सोचा आज बनाते हैं नींबू की शिकंजी। ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है और रिफ़्रेशिंग है। उसके लिए आपको 5 से 6 नींबू ले लेने हैं और उसको इस तरह से थोड़ा सा करना है ताकि इसका रस काफ़ी अच्छे से निकले। अब 20 से नींबू को कट करके इसका अच्छे से जूस निकाल लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीज भी अंदर ही है, क्योंकि हम इसे छानने ही वाले हैं। तो कोई बात नहीं, बस इसी तरह से सारे नींबू का हम रस निकाल लेंगे। जब भी आप नींबू का रस निकालें, सबसे पहले उसे हाथों की मदद से, जो मैंने की वो प्रोसेस, वो ज़रूर कीजिएगा ताकि अच्छे से रस पूरा अंदर तक निकल जाए। तो यहाँ पर नींबू का रस निकल गया है और अब इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। तो यहाँ पर आपको शिकंजी बनाने के लिए जो चीनी है ना, पीसी हुई लीजिएगा ताकि जल्दी से मिक्स हो जाए। अगर वो वाली लेते हैं तो आपको ज़्यादा देर मिलाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी ली है, वो डाल दी है। और इसी के साथ काली मिर्ची पाउडर डाला है और थोड़ा सा काला नमक। अब चीनी आपके ऊपर है, आप कितना मीठा पसंद करते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ठंडा पानी एकदम। तो बस इस तरह से मैंने ठंडा पानी ढेर सारा डाल दिया है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। शिकंजी बनाना भी काफ़ी आसान है। तो बस इस तरह से पानी डाल दिया है, अब अच्छे से एक बार इसे मिला ले और ये ठंडी ठंडी शिकंजी बनकर तैयार है। काफ़ी रिफ्रेशिंग है। अभी गर्मी ज़्यादा ही बढ़ गई है तो जब भी ज़्यादा गर्मी लगे तो शरबत ये सब ना पिए, इस तरह से शिकंजी बनाकर पिए। तो इस तरह से अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब एक ग्लास ले लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से आइस क्यूब्स यानी कि बर्फ़ के टुकड़े, क्योंकि शिकंजी है ना ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। और ये जो बनाई हुई शिकंजी है ना, इसे हमें छान लेना है। अब छानना इसलिए है क्योंकि जब हमने नींबू का रस निकाला था तो उसके बीज अंदर ही थे। तो बस इस तरह से शिकंजी को अच्छे से छान ले और लीजिए, तैयार है एकदम भयंकर गर्मी के लिए बढ़िया सी नींबू की शिकंजी। इतनी बढ़िया बनी है ना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बताइए रेसिपी कैसी लगी आपको। अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।